अल्लाह के वली की ऐसी करामत की जिसने साइंस को पलट के रख दिया। उनके पास दोनों बहनें हाजिर होती हैं, दुआ करवाती हैं कि सरकार, एक बहन अर्ज करती है कि सरकार दुआ करें, मेरी शादी को 8 साल हो गए, मेरे हाँ औलाद नहीं। दूसरी बहन सरकार से गुजारिश करके कि सरकार जी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी औलाद दे। सरकार ने दुआ की, फरमाया जाओ बेटी, तुम्हें भी मेरा रब बेटा अता फरमा। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपके यहाँ बेटा नहीं है, बेटी है। घर वाले कहते हैं कि बादशाह सरकार ने कहा है कि बेटा है। अब साइंस और अल्लाह के वली की दुआ की आपस के अंदर ये मुकाबला हो रहा है कि अल्लाह के वली ने कहा है कि बेटा है, साइंस कहती है कि बेटी है। अल्लाह के वली की दुआ का असर एक ही घर में, अल्लाह के वली की ऐसी करामत की जिसने साइंस को पलट के रख दिया। बरादरान नज़ीब वक़ार, मेरे साथ कोटला से एक फैमिली इस वक्त दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ कोटली सदियाँ में मौजूद है, और करामतों की इमाम करामत। सरकार जी के पास दोनों बहनें हाजिर होती हैं, दुआ करवाती हैं कि सरकार, एक बहन अर्ज करती है कि सरकार दुआ करें, मेरी शादी को 8 साल हो गए, मेरे हाँ औलाद नहीं। सरकार फरमाते हैं कि जाओ, अरब तुम्हें बेटा देगा। एक ही घर में एक बहन ये इल्तजा करती कि मेरी शादी को 8 साल गुजर गए हैं और मेरे घर में औलाद नहीं। सरकार ने फरमाया जाओ, मेरा रब आपको बेटा अता फरमाएगा। मालिक कायनात ने उस बहन को 8 साल के बाद बेटा अता किया। उसकी दूसरी बहन सरकार से गुजारिश करके कि सरकार जी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी औलाद दे। सरकार ने दुआ की, फरमाया जाओ बेटी, तुम्हें भी मेरा रब बेटा अता फरमा गया। दोनों बहनें हैं और दोनों के हाथ दो बेटे हैं। अब करामत, वो करामत क्या है? सरकार ने एक बहन को बोला अल्लाह ने 8 साल के बाद बेटा दिया, दूसरी बहन को बोला कि अल्लाह आपको भी बेटा देगा। वक्त गुजरता गया, जदीद दौर है, डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपके यहां बेटा नहीं है, बेटी है। आपके यहां बेटा नहीं है, बेटी है। घर वाले कहते हैं कि बादशाह सरकार ने कहा है कि बेटा है, यानी कि आखिरी वक्त तक डॉक्टर ये कहता रहा, साइंस ये कहती रही, रिपोर्ट ये कहती रही कि आपके यहां बेटी होगी, और घर वाले कहते हैं कि सरकार ने कहा है कि बेटा होगा। अब साइंस और अल्लाह के वली की दुआ की आपस के अंदर ये मुकाबला हो रहा है कि अल्लाह के वली ने कहा है कि बेटा है, साइंस कहती है कि बेटी है। हालांकि ये बेटी और बेटे देने वाली जात अल्लाह की, इंसान ना बेटी से बेटा बना सकता है ना बेटे से बेटी बना सकता है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि मालिक के कायनात लिखता है और फिर मिटा देता है। अल्लाह ने उस बहन के मुकद्दर में बेटी लिखी थी, लेकिन जिस वक्त अल्लाह के वली ने दुआ की तो अल्लाह ने बेटी के बदले में अल्लाह ने बेटा लिख दिया। अल्लाह का कुरान कहता है कि मालिक लिखता है और फिर मिटाता है, यानी अल्लाह ने इसकी बहन के मुकद्दर में बेटी लिखी, तो डॉक्टर यह कह रहा है कि बेटी है, बेटी है। अल्लाह के वली ने कहा बेटा है। अल्लाह ने कायनात वालों को बता दिया कि मैं अपने वलियों की, अपने दोस्तों की सुनता हूं, मेरा वली इसमें राजी है तो मैं भी इसमें राजी हूं। तो अब देखिए कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की दुआ से अब होता क्या है। अल्लाह के वली जब हाथ उठाते हैं तो रब तकदीर को बदल देता है। मालिक के कायनात देखें आपके सामने है, ये कोई छुपी छुपाई हुई बात तो नहीं है ना। देखें ये बेटी और बेटे का मामला है, जदीद दौर है, पूरी फैमिली है, एक लोग नहीं है, दो नहीं है, ये पूरे घर की फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है। दोस्तान दी बकार, जब अल्लाह के वली की जबान से जो बात निकल जाती है अल्लाह उसे पूरी फरमा देता। अब देखें ना, बादशाह सरकार ने 8 साल गुजर गए, बादशाह ने फरमाया बेटा होगा। क्या होगा? बेटा होगा। बादशाह ने बता दिया बेटा होगा, अल्लाह ने बेटा दिया या ना दिया? बादशाह सरकार ने फरमाया कि आपके यहां भी बेटा होगा। साइंस कहती रही आखिरी वक्त तक कि बेटी है,
लेकिन जब अल्लाह वाले ने कह दिया है तो अल्लाह ने बेटी के बदले में बेटा अदा कर दिया। इसलिए अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मदीने के गदा देखे, दुनिया में इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें, मोहम्मद के गुलाम अक्सर। दोस्तान दी वकार करामत बयान करने का मकसद ये होता है कि आइए अपना तहल्लुक अल्लाह वालों से जोड़ लें, क्योंकि अल्लाह वाले अल्लाह के करीब होते हैं और अल्लाह अपने दोस्तों की सुनता है। आज ये दोनों बेटे उठाई हुई माशाल्लाह, दोनों ये सक्की बहनें हैं और दोनों के यहाँ अल्लाह ने बेटे अदा फरमाए हैं। मेरी दुआ है कि मालिक के कायनात इन बेटों की ज़िंदगी में बरकतियाँ अदा फरमाए। जिनके यहाँ बेटे नहीं, अल्लाह अपने महबूब के सदकों ने बेटियाँ अदा फरमाए, और जिनके यहाँ बेटियाँ नहीं हैं अल्लाह उन्हें बेटियाँ अदा फरमाए। इसको अल्लाह के वली की करामत कहते हैं। अल्लाह के वली की ज़बान से जो जुमले निकल जाएं वो कायनात को पलट के रख देती है। तुम साइंस की बात करते हो, अल्लाह का वली तो कायनात को बदल देता है। तो दोस्ताने दीवाकार दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ के ऊपर अल्लाह का ये ख़ास करम है, ये मेहरबानी है। हुजूर बानिय तहरीक ख़त्म नबूवत साहबज़ादे वाली शान साहबज़ादा हाँ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार के अंदर अल्लाह ने यह कमाल रखा है कि आप जिसके लिए हाथ उठाते हैं अल्लाह उसकी तकदीर को बदल देता है, जिसे दम करते हैं अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद।